भगवान अपने जनों के द्वारा स्वयं जहां हम फंसे हैं, जहां हम जिस कारणवश क्लेशित हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अनजान में ना जानने कारण, प्रभु स्वयं कृपा करके अपनी वाणी द्वारा संतों के हृदय में बैठकर हमें बता रहे हैं, सुमत जाओ, शांत हो जाओ, क्यों परेशान होते हो। अरे भगवान श्री सीताराम ओमकार नाथ जी एक महापुरुष हुए, उनके हृदय में बैठ के स्वयं कह रहे हैं, अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल। इन बातों को यदि अभी हृदय में स्वीकार करें ना, अभी निश्चिंतता आने लगेगी, हृदय सहज आनंद में डूब जाएगा सुनने मात्र से, और कहीं जीवन में उतरने लग जाए फिर कहें क्या, भगवान के वचन हैं, अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल। मेरा है पर भूल के तो संसार में लग गया, अपने को दूसरा मानता है। मेरे आनंद के लाल तू पागल की तरह कहाँ दौड़ रहा है, लौटा लौटा, भगवान के वचन है, अमृतमय वचन है। अपने आनंद साम्राज्य में लौटिया, राग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा अभाव कुछ भी नहीं है, केवल भ्रम है, सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जा, वापस आना, मेरा होके मेरे को पुकार, मुझे पुकार, प्रभु मैं जैसा हूँ आप स्वीकार कर लो, तो बहुत जल्दी तेरे ये रोग शोक दुख अभाव राग द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे, परमानंद केवल परमानंद है, आनंद है, अनुभव में आ जाएगा, मुख मोड़ने की आवश्यकता है, जो इधर देख रहे हो इसको देखना बंद कर केवल इधर दृष्टि कर लीजिए, तो निरंतर आनंद ही है। पूर्व में बताया कि बुल्ले शाह जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि भगवान को कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्रभु को पाऊं, तो बस इतना ही कहा, बुल्ला रबनु की पाना इट्ठे पत्थो, ऐसे ही है, इत्थे लाना, इधर से उठा के बस इधर रख देना। तात्पर्य जो मन शरीर में संसार में लगा हुआ है उसे प्रभु में अर्पित कर दो, केवल मोड़ दो, अभी तक जो संसार के लिए करते रहे हो वो केवल प्रभु के लिए होके प्रभु के करने लग जाओ, प्रभु के लिए करने लग जाओ, आनंद का अनुभव है आपको अनुभव में आने लग जाएगा। यह केवल आनंद परमानंद, केवल आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। लौटने का उपाय भी अति सहज सरल और सुगम, क्या करना है, केवल नाम को पुकार, केवल मेरा नाम रटन कर, मुझे पुकार, बहुत जल्दी तुझे मेरी अनुभूति हो जाएगी, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, तेरे हृदय में बैठा हूँ, नाम रूपी मुझ में अनन्य भाव से आश्रय ले, फिर तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कर दूंगा, और देख नाम में भक्ति श्रद्धा की भी अपेक्षा नहीं है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इतनी बड़ी निश्चिंत वाणी कि तेरी श्रद्धा बनती है तो ठीक, भक्ति है तो ठीक, तू जैसे है वैसे नाम रटन कर, राधा राधा राधा, सहज में देख तू होता क्या है। प्रश्नोत्तर करने से ज्यादा मार्ग में चला जाए तो उसका अनुभव होता है, यदि बुद्धि की तर्कना से केवल ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा सुना ऐसा होता है तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा, आपने जितना श्रवण किया पकड़ लिया चल दिए, क्या है जानिए तो सही, आखिर जिसके लिए हम सुनते हैं नाम की अपार महिमा, तो नाम रटन करके देखिए स्वयं अनुभव हो जाएगा, पद्धति से नाम रटन कीजिए, ऐसा नहीं कि 17 साल से नाम रटन कर रहे हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ, कहेंगे उल्टी बात, मुख की हुए हो दुख की ओर और बात करते हो सुख की, तो कैसे मिलेगा, सीधे सहज जो पद्धति है एक बार उसके अनुसार चलिए, फिर देखिए आपके हृदय में, अरे ज्यादा नहीं एक हफ्ते करके देख लो क्या होता है बताना, ठीक पद्धति से थोड़ा संयम नियम के साथ जैसे महापुरुष गुरुजन आज्ञा करते कुछ दिन चल लीजिए, एक हफ्ते
एक हफ्ते कोई ज़्यादा तो नहीं है, प्राण रहे तो प्रभु की इच्छा, नहीं रहे तो उनकी इच्छा, लेकिन जब तक श्वास एक हफ्ते के लिए देख लो करके इस पद्धति से नाम लेना। क्या होता है, हृदय में आग पैदा हो जाएगी, अगर कुछ और अच्छा लगने लग जाए तो बताना। पूर्व में एक ब्रज के भक्तों में एक प्रसंग आता है, गौड़ श्रोमणी महाशय नाम के एक महापुरुष हुए, ये बहुत विद्वान, पूर्व जब बचपन में थे तो पढ़ाई लिखाई कुछ आती नहीं, केवल एक ग्रामीण ने कहा उनसे कि पढ़ते लिखते हो तुम तो कलंक हो, परिवार के नाम पे कलंक हुए, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी कोई विद्या नहीं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब ये बात उनके हृदय में चुभ गई और तत्काल चले गए पढ़ने के लिए बनारस आते, वहाँ जाकर समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और वापस आए तो भागवत की प्रवचन करने लगे, कथा करने लगे, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत ही उत्तम व्याख्या करने वाले, एक एक श्लोक की उसके गुण रहस्य को दर्शाने वाले। एक बार कहीं कथा में इनको बुलाया गया तो उस कथा में जो उपासक थे वो श्री महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी थे, विराजमान होकर प्रत्येक श्लोक की श्री चैतन्य परक व्याख्या कर रहे थे। अब इनके हृदय में संशय हुआ कि ऐसा कैसे, भागवत की व्याख्या में कहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने कहा प्रत्येक दो श्लोक के बाद महाप्रभु की इसमें वंदना है। ये बात उनको ठीक नहीं लगी और कहा कि आप कुछ भी कैसे बोल रहे हैं, हमें, हम भी तो कहाँ हैं इसमें। उन्हें आवेश आ गया, ये होता है, हम जरा हमारे आचार्य ईष्ट के ऊपर कोई बात आए तो ऐसे शांति से नहीं बैठना। तत्काल उनने कहा जैसा कह रहे हैं वैसा एक हफ्ते चल के देखिए, महापुरुष के चरणों का आश्रय लीजिए, ये ऐसे ही कुछ अनुभव में नहीं आता, महापुरुष के चरणों का आश्रय लें और जिस पद्धति से बता रहा हूँ एक हफ्ते चल लो, यदि तुम्हें दर्शन ना हो जाए तो कहना, कहा मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। उनके भी हृदय में लग गया ये प्रभु को खींचना था। दीक्षा हुई, जिनसे बताया उनसे दीक्षा ली बंगाल में ही, दीक्षा लेने के बाद तत्काल कहा इस नियम से चलिए, इतना इतना जप पाठ आदि कीजिए और एक हफ्ते तक हमें बताइएगा। स्पष्ट रूप से नेत्रों से दिखाई दिया कि हर एक भागवत के दो श्लोक के बाद गौर वंदना लिखी हुई है, स्वयं रोने लगे, समाज में कहा कि लिखा हुआ है, अनुभव में आ गया। इसीलिए कुछ पाने के लिए पहले लगी है उसमें, केवल मन बुद्धि के तर्क ना से वो वस्तु की अनुभूति नहीं होती, हार के यही है हारना, प्रभु मैं आपका हूँ कुछ नहीं कर सकता बस चल दीजिए, यदि प्रतिपल पे अनुभूतियाँ ना हो तब कहना। ये केवल कोरी भावुकताएं नहीं है जो महापुरुष जन कह रहे हैं, हृदय को बार बार देखिए महाराज जी को, जिस समय अपने आराध्य ईष्ट और संत समाज के लिए कोई बात आती है तो कहते हैं कि केवल भावुकता के लिए नहीं कहते, आपके सामने बैठे हैं, यदि सामर्थ्य है तो देख लीजिए, तो वो जी रहे हैं उस बात को, महापुरुषों ने अनुभव किया है, इसलिए केवल भावुकता नहीं, उस बात को अनुभव में आए। अनुभव में कैसे आएगी, चलने से अनुभव होता है। बहुत सुंदर सुंदर रसोई का वर्णन किया कि अमुक रसगुल्ला अमुक गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट, पाया एको नहीं तो प्राप्त क्या होगा, केवल बातों से काम नहीं चलता, जब मार्ग की बातें सुनते हैं तो उसमें चलने से ये बात आती है हृदय में,